प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत सामग्रियों का किया वितरण। गैंगस्टर किशन कुमार उर्फ पंडिताइन द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित किए गए लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया कुर्क। जनपद में नहीं थम रहा है बाढ़ का कहर, लगभग 160 से अधिक गांव प्रभावित, राहत बचाव कार्य जारी। 12 से 15 अक्टूबर के बीच विशेष जेल लोक अदालत का किया जा रहा है आयोजन। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी कराकर जिला प्रशासन ने लोगों को कर रहा है अलर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत विभिन्न वादों का किया गया निस्तारण। और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने की अपील, कहा नगर पंचायत व नगर निगम मतदाता सूची में आगामी 20 अक्टूबर तक नाम जुड़वाने के लिए कर लें आवेदन। जनपद में बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्री वितरण को लेकर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़लगंज व गोरखपुर में प्रभावित लोगों में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया। वहीं शासन द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में मौजूद लोगों से जानकारी भी प्राप्त की। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आपके साथ है, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों की हर सुख सुविधा को लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस मौके पर बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वार्तालाप करते हुए प्रथम फायदा आगे की ओर बढ़ चलेंगे। नन्हे मुन्हे बच्चों से वार्ता करते हुए उन्हें टॉफी प्रदान करते हुए अपने कर कमलों से झरवा क्षेत्र से राधिका देवी जी, वाइफ ऑफ कांतिलाल जी, इसराती जी, वाइफ आप कैसे लेके जाएंगे? आपका तो हाथ पैसा और रखा है, कोई साथ में है? मन्नु जी, वाइफ ऑफ लालू जी एवं आमना खातून जी, राजमती जी, वाइफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से बाढ़ राहत खाद्यान्न सामग्री को प्राप्त करते हुए, चक्रा दोनों से किस्मती जी, वाइफ ऑफ लालधर जी, रामप्रीत जी, सन ऑफ श्री राजा राम जी, पलकधारी सेवा करता है, घर में गाली तो नहीं देता है। कि पिछली बार मैंने हवाई सर्वेक्षण इसी बात को लेकर के किया था कि आखिर राप्ती और सरयू का जो संगम होता है उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में जो तत्काल जल भराव और भीषण बाढ़ की समस्या खड़ी होती है उससे बचाव का क्या रास्ता हो सकता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका पूरा सर्वे भी हो रहा है और बरसात के बाद एक बार फिर से सर्वे करने के बाद हम इस कार्य को करेंगे। हमने इस बारे में प्रशासन को बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर बाढ़ पीड़ित को, जिनके घर में भोजन बनाने की स्थिति नहीं, उसको दिन में दो बार कम से कम भोजन की व्यवस्था उससे करें। सूखा राहत राशन भी उपलब्ध कराने के लिए राशन किट के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल और मसाले, नमक, 5 लीटर केरोसिन, ये सभी चीजें उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही
पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी हर गांव में करें। इसके साथ ही फसल को भी व्यापक क्षति पहुंची है, उसका तत्काल सर्वे करें और जहां पे फसल लोग बोते थे हम इस बार उसकी राशि को भी मुआवजे की राशि को बढ़ा करके किसान बंधुओं को उपलब्ध करवाएंगे, जिससे हर किसान को इस आपदा के समय हम सहायता दे सकें। जन हानि जहां पर हुई है 4 लाख रुपए की सहायता, अंग भंग होने की स्थिति में 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता देने के लिए भी हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। जिनके मकान पूरी तरह नदी में विलीन हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास या 1,20,000 रुपए तक की सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश हमने दिए हैं। पशु हानि के लिए भी दुधारू पशु के लिए 37,500 तक, बकरी भेड़ आदि के लिए भी सहायता देने की व्यवस्था और अन्य पशुओं के अलावा भी मुर्गी आदि के भी बाढ़ की चपेट में आपदा की चपेट में आने पर भी सहायता के लिए हम लोगों ने प्रशासन को पूरी निर्देश दिए हैं। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में शाहपुर थाने के हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर किशन कुमारी उर्फ पंडिताइन द्वारा नशे के कारोबार से पिछले कई वर्षों से अर्जित की गई संपत्तियों पर डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश पर कुर्की की कार्यवाही एसपीसीटी कृष्ण विष्णोई के नेतृत्व में की गई। बता दें कि शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित न्यू कॉलोनी में 3 मंजिला आवास मेडिकल रोड पर स्थित नीलकंठ स्वीट्स और हर सेवकपुर में 3 जमीनों पर मुनादी कराते हुए कुर्क किया गया है, जिसकी अनुमानित मार्केट मूल्य लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक की है। वहीं किशन कुमारी उर्फ पंडिताइन के ऊपर जनपद के विभिन्न थानों में लगभग 15 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज है। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रितेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये बिल्डिंग जो बनाई गई है नशे के कारोबार करने के बाद बनाई गई है। आज एसपीसीटी महोदय के नेतृत्व में यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट जनपद गोरखपुर के आदेश दिनांक 12/10/2022 द्वारा अपराध संख्या 444/17 का बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर द्वारा नशे का कारोबार से अर्जित अवैध धन से क्रय की गई संपत्ति संख्या 91 नगर निगम भेड़ियागढ़ असुरन चौराहा को श्रीमती किशन कुमारी और पंडिताइन द्वारा अपने दामाद राजीव गुप्ता और संजय गुप्ता के नाम से क्रय किया, जिस पर नशे के कारोबार से अर्जित अवैध धन से 3 मंजिला पक्का मकान भवन का निर्माण किया गया, को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोध एकदम मेरे पास इंटेलिजेंस है रणवीर करा ले सर, 100% का दावा है मेरा सर। कोई आ करके मोबाइल करके कोई भले समझा जाए, लेकिन 100% का दावा है कि बिल्कुल 0/0। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णोई ने बताया, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में
आज जिलाधिकारी गोरखपुर एवं SSP महोदय के द्वारा अपराधियों के खिलाफ चालू की गई मुहिम में पंडिताइन, जिसे किशन कुमारी उर्फ पंडिताइन के नाम से जाना जाता है, जिसने आज से 35 साल पहले इस शहर में स्मैक जैसे गोरख धंधे का शुरुआत की थी एवं उसके पूरे परिवार द्वारा जो गोरख धंधे से अर्जित की गई सारी जमीन प्रॉपर्टी सारी जायदाद को आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार तीन जगह पे, पहली जगह है जो मीर कॉलोनी में स्थित उसका आवास, 3 मंजिला आवास, और दूसरा मेडिकल कॉलेज पे, मेडिकल कॉलेज के पास में मेडिकल रोड पर स्थित नीलकंठ स्वीट्स के नाम से जो दुकान चल रही है 3 मंजिला वो दुकान, एवं हरिसेवकपुर में उनके परिवार के जहाँ सदस्यों को उसने जो ज़मीन दिलाई है उन तीन जगहों की 3 प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया गया है एवं उसकी जो अनुमानित मार्केट वैल्यू है वो 13,52,50,400 है। और इस तरह ये एक कुठाराघात इन जरायम की दुनिया से कमाए गए अर्जित धन संपत्ति पर आज गोरखपुर पुलिस द्वारा किया गया है एवं जितने भी शहर में जो भी व्यक्ति स्मैक और इस तरह का कार्य कर रहा है उन सभी व्यक्तियों के लिए ये एक तरीके से संघनाद है कि आप सभी लोगों की जहाँ जहाँ पे भी जरायम के पैसे से जो भी पैसा कमाया जाएगा वो सबको सरकार NDPS एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट इन दोनों के अंदर सीज करेगी। जनपद में नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़त से कई क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हैं। बता दें कि सरयू व राप्ती नदी की वजह से बढ़लगंज क्षेत्र तेजी से बाढ़ की चपेट में आ रहा है। वहीं जनपद में 160 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है। लगभग 76 गांव पूरी तरह से जलमेरुंड हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 150 से अधिक नावों का संचालन किया जा रहा है। वहीं NDRF व SDRF को पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। जलमेरुंड हुए गांवों में राहत बाढ़ सामग्रियों का वितरण भी किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ADM वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, 13 अक्टूबर है, पिछले एक सप्ताह से जनपद में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दोनों जो प्रमुख नदियां हैं हमारे जनपद की, राप्ती और सरयू, दोनों का ही ट्रेंड राइजिंग है। राप्ती संभवतः आज शाम तक स्टडी हो जाएगी, लेकिन सरयू जी लगातार बढ़ रही हैं और हमें लगता है कि अगले 2-3 दिन तक और पानी आएगा। हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित तहसील और क्षेत्र है वो बढ़लगंज है। बढ़लगंज में एक तरफ से राप्ती और एक तरफ से सरयू, दोनों नदियों का पानी बढ़लगंज को घेर रहा है। पूरे जनपद में लगभग 160 से अधिक गांव अब तक प्रभावित हो गए हैं। 76 गांव मैरुंड हैं, 150 के आसपास नावें लगा दी गई हैं, स्टीमर भी मंगा लिया गया है। NDRF और SDRF दोनों तैयारी की मोड में लगातार हैं। अगर कहीं से कोई घटना दुर्घटना की सूचना मिलती है तो तत्काल वो मूव कर जाएंगे। प्रत्येक मैरुंड गाँव के लिए राहत और राहत किट उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक हम लोग लगभग 8,000 से 9,000 राहत किट का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। पूरा लक्ष्य हमारा, जो लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, लगभग 25,000 परिवार ऐसे होंगे, तो अगले 2 से 3 दिन में सभी परिवारों तक राहत सामग्री पहुंच जाएगी। जनपद में विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन 12 से 15 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। इस विशेष जेल लोक अदालत के माध्यम से छोटे मामलों में जेलों में निरुद्ध कैदियों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य विशेष जेल लोक अदालत लगाया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया, जेल लोक अदालत का आयोजन जो कि विशेष जेल लोक अदालत के नाम से जानी जाती है, इसका आयोजन 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया जा रहा है। इसमें भी जेल में बंदी, ऐसे बंदी जो छोटे छोटे अपराधों में निरुद्ध हैं, उनके वो अपने मामलों का अधिक से अधिक समय व्यतीत कर चुके हैं और वो किन्हीं कारणों बस अपने मामलों का निस्तारण नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको शीघ्र न्याय दिलाने की
उद्देश्य से विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडा, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908111। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार अलर्ट बताया है। बता दें कि बाढ़ से प्रभावित गांवों की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने समय रहते हुए गांवों में मुनादी कराकर लोगों को बाढ़ के प्रति सचेत रहने की अपील की है। वहीं जिला प्रशासन से मदद के साथ ही अपने आप के साथ स्वजन की सुरक्षा को लेकर भी सचेत किया जा रहा है। किया जाता है कि नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण इधर पछार इलाका में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए सरकार द्वारा आदेश है कि सभी महिलाएं, बच्चे पानी से अधिक दूरी बनाए कर रखें और अपने बच्चों को और अपने सामानों को उचित स्थान पर ऊपर रख दें। सरकार का सख्त आदेश है कि सभी लोग अपने जानवरों का भी देखभाल करें जिससे बाढ़ से बचा जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, अधिकारी महोदय के निर्देश पर चूंकि पीछे बलरामपुर में बाढ़ आ गई थी और हम लोगों को सूचना मिल गई थी कि जल्दी ही गोरखपुर में पानी बढ़ जाएगा, राप्ती और घाघरा दोनों में, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर इस बार प्रत्येक गांव में मुनादी कराई गई। लोगों को पहले से ही सचेत किया गया कि आप अपना जो कीमती डॉक्यूमेंट है उसको सुरक्षित रख लें, अपने खाने पीने की सामग्री को व्यवस्थित कर लें और बाढ़ आने की संभावना है, उनके आसपास पानी भर जाएगा, इसलिए यथा आवश्यक तैयारियां वो अपनी कर लें। गवर्नमेंट का सपोर्ट तो मिलता ही है, परंतु वो स्वयं के स्तर पर भी मानसिक रूप से तैयार रहें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय परिसर सहित बांसगांव, गोला, कैंपियरगंज, चौरी चौरा आदि बाह न्यायालयों में 3 दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत के दूसरे दिन श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, किराया अधिनियम, सूखा अधिकार वाद सहित अन्य सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर 2022 द्वितीय शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। ये जनपद गोरखपुर के दीवानी न्यायालय परिसर में बांसगांव और गोला, कैंपियरगंज, चौरी चौरा आदि बाह्य न्यायालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें कि धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम के बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वाद, श्रम वाद और भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत जल विवाद और किराया अधिनियम से संबंधित विवाद, सुखाधिकार विवाद, विशिष्ट अनुतोष वाद और अन्य मामलों जो सुलह समझौते के आधार पर नियत तिथि को न्यायालय में ही निस्तारित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर पर मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा तथा संबंधित जो यातायात संबंधित चालान हैं उनको भी। जनपद में 1 नगर निगम व 11 नगर पंचायत हैं।
इन सभी स्थानों पर मतदाता सूचियों के सर्वेक्षण का कार्य निरंतर जारी है। आगामी 20 अक्टूबर तक यह कार्य किया जाएगा। ऐसे में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश कुमार सिंह जनपद वासियों से अपील करते हुए कह रहे हैं कि आगामी चुनाव के दृष्टिगत जिन लोगों को भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना है वह अपने नगर पंचायत व नगर निगम में जाकर फॉर्म लेकर आवेदन कर सकते हैं। हमारे जनपद में 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतें हैं। दोनों 12 स्थानों पर जो मतदाता सूची है उसके पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। 20 अक्टूबर उसकी अंतिम तिथि है। मेरा अनुरोध है जो लोग नगर निगम के निवासी हैं, जो नगर पंचायतों के निवासी हैं, 5 वर्ष में एक बार मतदाता सूची में परिवर्तन का कार्य होता है, नाम जुड़ने का कार्य होता है। जिन लोगों को भी अपना नाम इस सूची में जुड़वाना है वो तत्काल अपने फॉर्म भर करके संबंधित तहसील को उपलब्ध कराते जाएं। 20 अक्टूबर हमारी अंतिम तिथि होगी। 20 अक्टूबर के बाद फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत सामग्रियों का किया वितरण। गैंगस्टर किशन कुमार उर्फ पंडिताइन द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित किए गए लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया कुर्क। जनपद में नहीं थम रहा है बाढ़ का कहर। लगभग 160 से अधिक गांव प्रभावित। राहत बचाव कार्य जारी। 12 से 15 अक्टूबर के बीच विशेष जेल लोक अदालत का किया जा रहा है आयोजन। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी कराकर जिला प्रशासन ने लोगों को कर रहा है अलर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत विभिन्न वादों का किया गया निस्तारण। और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने की अपील, कहा नगर पंचायत व नगर निगम मतदाता सूची में आगामी 20 अक्टूबर तक नाम जुड़वाने के लिए कर लें आवेदन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।